कैसे हैं आप सभी। आज हम न्यूज़पेपर सॉल्व करने हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं। न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आज हम लेकर के आए हैं। आज आप ये समझेंगे कि न्यूज़पेपर को पढ़ा कैसे जाता है। एक्चुअली लोगों के क्लोज टेस्ट हुए, पैसेज हुए, बहुत ज्यादा गलत हो जाते हैं। आज हमने सोचा एक ट्रायल न्यूज़पेपर आप लोगों को दिया जाए, आप लोगों को पढ़ाया जाए, एडिटोरियल खासकर पढ़ाया जाए, ताकि आपको समझ में आए कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट्स को अच्छा कैसे करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं एक इंक पहले लेता हूं। मैं बता देता हूं कि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीएचएसएल की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, या इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को आप डेवलप करना चाहते हैं, तो जो ये तरीका है पढ़ने का न्यूज़पेपर का, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो मैक्सिमम चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी, धीरे धीरे आपकी जो इंग्लिश पे पकड़ है वो मजबूत होती चली जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है क्या, एक मिनट में देख लेता हूं, यहां पे कुछ कट तो नहीं रहा है। ठीक है, लिखा क्या हुआ है, इट हैज बेयरली बीन 3 वीक्स। बेयरली का मतलब क्या होता है, बेयरली का मतलब होता है मुश्किल से। बेयरली का क्या मतलब होता है, मुश्किल से, यानी कि मुश्किल से 3 सप्ताह हुए हैं। बेयरली का क्या मतलब, मुश्किल से, तो मतलब क्या निकला इसका, इट हैज बेयरली बीन 3 वीक्स, मुश्किल से 3 सप्ताह हुए हैं। ठीक है, बेयरली, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली का यूज जो है वो निगेटिव सेंस में किया जाता है, इसके साथ नॉट का यूज नहीं होता है। हमने देखा कि 3 वीक्स के बाद सिंस लगा हुआ है। सिंस का मतलब चूंकि भी होता है और जब से भी होता है, यहां अर्थ निकल रहा है जब से। 3 सप्ताह हुए हैं जब से। ए 5 जज बेंच, 5 जजों की बेंच, 5 के बाद जज के को प्लूरल लिखा जाना था, लेकिन जब हाइफन लग जाता है तो आगे आने वाला नाउन प्लूरल नहीं रह जाता है, सिंगुलर लिखा जाता है। जब नंबर के बाद हाइफन लग जाए, जब 5 जज हैं तो जजेस लिखा जाना चाहिए, लेकिन बीच में हाइफन लगा दिया तो नाउन सिंगुलर होगा। 5 जजों की बेंच, मुश्किल से 3 सप्ताह हुए हैं, 5 जजों की बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 5 जजों की बेंच। सुप्रीम कोर्ट के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, इसलिए यहां पे आर्टिकल द का यूज हुआ है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 5 जजों की बेंच ने यूनैनिमसली, यानी कि एक मत से, यूनैनिमसली क्या होता है, एक मत से, सर्वसम्मति से, स्ट्रक डाउन, स्ट्रक डाउन का मतलब किसी चीज की आलोचना करना भी स्ट्रक डाउन होता है, किसी चीज को रद्द करना भी स्ट्रक डाउन होता है, कड़ी आलोचना की है, किसका, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की क्या की है उन्होंने, आलोचना की है, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उसे क्या बताया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संवैधानिक, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब असंवैधानिक, जैसे कि उसने, उन्होंने क्या बताया है, इसे असंवैधानिक बताया है। फॉर वायलेटिंग, वायलेट का मतलब उल्लंघन करना, और फॉर एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, इसलिए इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसलिए फॉर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। किसके कारण, वायलेटिंग करने के कारण, उल्लंघन करने के कारण, फॉर एक प्रकार का प्रीपोजिशन है, ग्रामर का रूल ये कहता है कि फॉर के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी, फॉर नहीं, सभी प्रीपोजिशन के बाद यदि वर्ब आई है तो उसकी आईएनजी फॉर्म आएगी। तो यहां हमने देखा, इट हैज बीन बेयरली 3 वीक्स, मुश्किल से 3 सप्ताह हुए हैं जब से, 5 जजों की बेंच किसकी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 5 जजों की बेंच ने फैसला क्या किया है, एक मत से कड़ी आलोचना की है, किसकी, या रद्द किया है किसी चीज को, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उसे क्या बताया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बताया है। फॉर वायलेटिंग, हमने देखा फॉर प्रीपोजिशन आईएनजी फॉर्म लगेगा, फॉर वायलेटिंग, उल्लंघन करने के कारण के लिए, किस चीज का, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए। तो राइट टू का मतलब किसी चीज के अधिकार का, राइट टू प्राइवेसी होता है ना, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन,
अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 19(1)(a) के अंतर्गत, ठीक आगे देखते हैं, द स्कीम सब्जेक्ट है, इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है विच स्कीम, कौन सी स्कीम की बात की जा रही है, यही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की बात की जा रही है, विच वॉज नोटिफाइड इन 2018, जो नोटिफाई किया गया था कब, 2018 को, ठीक है, फिर कॉमा लग गया है, तो कॉमा से कॉमा की बात को हम ब्रैकेट में कर देते हैं, तब समझ में आएगा कि स्कीम सब्जेक्ट है और फैसिलिटेटेड इसकी वर्ब है, ठीक है। विच वॉज नोटिफाइड इन 2018, 2018 जो है वो पास्ट का समय है, जब भी सेंटेंस में पास्ट का टाइम दे दिया जाए तो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। तो यहां पे दिया गया है जो कि नोटिफाई किया गया कब, 2018 में, स्कीम फैसिलिटेटेड एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशन, ठीक है, क्या दिया गया है, स्कीम जो है फैसिलिटेटेड एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशन, आ गया समझ में, आगे देखते हैं हम, देखिए स्कीम जो है यहां पर क्या है, स्कीम जो है वो सब्जेक्ट है, फैसिलिटेटेड वर्ब है, ठीक, तो ये स्कीम जो है फैसिलिटेट करती है किसको, एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशन को, एनोनिमस का मतलब गुमनाम, पॉलिटिकल का मतलब राजनैतिक और डोनेशन का मतलब डोनेशन, जानते ही आप लोग, तो दान बोल सकते हैं, को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है। आगे क्या लिखा हुआ है, द जजमेंट आल्सो स्टिपुलेटेड दैट, स्टिपुलेट का मतलब होता है क्लियर करना, स्पष्ट करना, यानी कि ये जो निर्णय, इस जजमेंट को स्पष्ट किया गया है कि द जजमेंट आल्सो स्टिपुलेटेड, जजमेंट जिसमें कि इस निर्णय को स्पष्ट किया गया है, क्या किया गया है, इस जजमेंट को स्पष्ट किया गया है दैट कि द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुई, उसके पहले आर्टिकल दा लगता है, इसलिए आर्टिकल दा लगा हुआ है, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉमा लिखा गया है, और कॉमा से जब भी बात कही जाएगी तो कॉमा से कॉमा की बात को ब्रैकेट में कर लेंगे, द सोल बैंक, इस SBI के बारे में बता रहा है कि जो SBI है वो एकमात्र बैंक है, सोल का मतलब एकमात्र या अकेला बैंक है, अथराइज्ड टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करने के लिए अथराइज किया हुआ या एकमात्र बैंक है। फिर आइए, सब्जेक्ट क्या है यहां पर, SBI, और वर्ब क्या है, हैड टू, ठीक है, SBI को क्या करना पड़ेगा, हैड टू इमीडिएटली स्टॉप, तुरंत रूप से या तुरंत बंद कर देना है किसे, इशूइंग देम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करना, चूंकि यहां बॉन्ड्स लिखा हुआ है इसलिए यहां देम आया है, बॉन्ड्स प्लूरल है इसलिए देम आया है, अगर बॉन्ड होता तो इट आता, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमने देखा कि हैड टू के बाद इमीडिएटली आया है, स्टॉप के बाद वर्ब की ING फॉर्म, किसी काम को करना बंद कर देना होता है, तो बात आपने समझा, एक बार फिर से समझते हैं मोटा मोटा और फिर नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। आपको ग्रामर के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई जा रही हैं, आप इसे नोट करते चलिएगा, और डेली न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है अगर तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं डेली न्यूज़पेपर अपलोड करूंगा, बट हाँ आपको एक नजरिया मिल जाएगा कि पढ़ा किस तरह से जाता है। इट हैज बेयरली बीन 3 weeks, मुश्किल से 3 सप्ताह हुए हैं सिंस, जब से 5 जज बेंच, 5 जजों की बेंच ने, किसकी 5 जजों की बेंच, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, यूनानिमसली स्ट्रक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को एक मत से, यूनानिमसली का मतलब एक मत से स्ट्रक डाउन किया है, एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिया है, फॉर वायलेटिंग, उल्लंघन करने के लिए के कारण, द राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार का उल्लंघन इसने किया है, इसलिए इसे क्या किया गया है, असंवैधानिक बताया है। द स्कीम, ये जो स्कीम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, विच वॉज नोटिफाइड इन 2018, जो कि नोटिफाई किया गया 2018 में, फैसिलिटेटेड एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशन को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है,
गुमनाम राजनैतिक दान को डोनेशंस को फैसिलिटेट करती है। द जजमेंट आल्सो स्टिपुलेटेड दैट कि इस निर्णय में इस जजमेंट को स्पष्ट किया गया है, स्टिपुलेट का मतलब स्पष्ट किया गया है दैट कि द एसबीआई के बाद कॉमा लगा है तो कॉमा से कॉमा की बात को जैसे ही ब्रैकेट में करेंगे एसबीआई हैड टू इमीडिएटली स्टॉप इशूइंग देम। एसबीआई को तुरंत क्या करना है करना पड़े पड़ा बंद करना पड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इशू करना। स्टॉप के बाद आईएनजी फॉर्म का मतलब किसी काम को करना बंद कर देना, जैसे स्टॉप स्मोकिंग स्मोक करना बंद कर देना। आगे आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर। इट आल्सो हैड टू फर्निश बाई मार्च 6। इट आल्सो हैड टू फर्निश, फर्निश का मतलब होता है किसी चीज को प्रोवाइड कराना, जैसे कोई चीज अगर हम किसी को प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसे फर्निश करना बोलते हैं। तो इस हैड टू इसे फर्निश इसे प्रोवाइड कराना था कब तक, 6 मार्च तक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 6 मार्च तक हमें प्रोवाइड कराओ, तो इसे प्रोवाइड कराना था कब, बाई 6 मार्च, यानी कि 6 मार्च तक। बाई का मतलब यहां क्या निकलेगा, तक से, और क्या प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं उसको आगे लिखा गया है। क्या लिखा गया है, डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियों की डिटेल, राजनीतिक पार्टियों का विवरण, दैट वाज रेसिपेंट्स जो कि प्राप्त, दैट वर रेसिपेंट्स जो कि प्राप्तकर्ता थे। दैट यहां क्या है, दैट का मतलब जब जो निकलेगा तब ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, और मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब अपनी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, क्योंकि पार्टीज प्लूरल था इसलिए यहां वर आया है। ठीक है, ग्रामर भी देखते चल रहे हैं। तो इट आल्सो हैड टू फर्निश बाय 6 मार्च डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की डिटेल को क्या कराना था उसे प्रोवाइड कराना है कब तक, 6 मार्च तक। दैट वर रेसिपेंट्स जो कि प्राप्तकर्ता थे, जो कि प्राप्तकर्ता थे। आगे क्या लिखा हुआ है, बिसाइड्स द परचेज डिटेल, बिसाइड्स का मतलब होता है के बजाय, के अतिरिक्त। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब क्या, इसके अतिरिक्त, द परचेज डिटेल, इसके अतिरिक्त क्या, परचेज डिटेल विच इंक्लूड, इसके अतिरिक्त और क्या चीज प्रोवाइड करानी है, इसके अलावा और क्या चीज प्रोवाइड करानी है, परचेज भी डिटेल भी देना है। इन विच इंक्लूडेड द डेट ऑफ परचेज, जिसमें ये लिखा हो कि ये कब खरीदा गया, एंड द डिनोमिनेशन, और कितने में खरीदा गया, डिनोमिनेशन का मतलब कोई चीज कितने में खरीदी गई। ठीक है, तो पूरी डिटेल मांगा है कोर्ट ने कि ये डिटेल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो कि प्राप्तकर्ता थे इन बॉन्ड्स के, इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, परचेज डिटेल को भी मांगा है, विच इंक्लूडेड, जिसमें क्या चीज शामिल किया गया है, जिसमें शामिल है क्या, द डेट ऑफ परचेज कि किस डेट में खरीदा गया, एंड द डिनोमिनेशन और कितने में खरीदा गया। आगे क्या लिखा गया है, द इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है इरादा, किसी का इरादा आपके लिए क्या है, वो इंटेंट है। द इंटेंट इन आस्किंग द एसबीआई टू डू सो, इरादा एसबीआई से ऐसा मांगने का, ऐसा पूछने का इरादा, टू डू सो ऐसा करने का इरादा वाज क्लियर, एकदम क्लियर था। ठीक है, टू डू सो का मतलब ऐसा करने का, आप कहीं ये सब लिखते चलिएगा फ्रेज, टू डू सो का मतलब ऐसा करने का। तो एसबीआई से ये सब पूछने का जो इरादा था वाज क्लियर, वो क्लियर था, क्या क्लियर था, इसके आगे लिखा गया है क्या है, टू इंश्योर, सुनिश्चित करना, टू इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता इन पॉलिटिकल फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था, इसका मेन इरादा था। टू डू सो का मतलब ऐसा करने का।
ये सब ऐसे जो सेट बन रहा है टू डू, सो ये सब नोट करते चलिएगा। ये सारी चीजें आपको इंग्लिश के कॉम्प्रेहेंशन को समझने में बहुत मदद करेगी। ठीक है, आगे हमने क्या देखा, एट ए टाइम। एट ए टाइम का मतलब ऐसे समय पर, ये सब सारे फ्रेज आप नोट करोगे, ध्यान देना। एट ए टाइम का मतलब ऐसे समय पर, व्हेन का मतलब जब, ऐसे समय पर जब द जनरल इलेक्शन इज ड्यू, ड्यू का मतलब कोई चीज अभी हुई नहीं है, होने वाली है। ऐसे समय पर जब आम चुनाव होने हैं, ऐसे समय पर, व्हेन का मतलब जब द जनरल इलेक्शन आम चुनाव इज ड्यू, यानी कि वो चीज होनी है वो अभी हुई नहीं। ठीक है, इन इट्स रेस्पॉन्स, अपने उत्तर में, अपने जवाब में, ये भी इन इट्स रेस्पॉन्स भी नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीजें नोट करते चलना आप। इन इट्स रेस्पॉन्स, अपने जवाब में, द एसबीआई के बाद कॉमा लग गया है, तो कॉमा से कॉमा तक की बात को हम अलग से समझेंगे। द एसबीआई के बारे में आगे लिखा गया है, थ्रू वन ऑफ इट्स फंक्शनरीज, फिर कॉमा क्लोज हो गया यहीं पर ना, तो इसको क्लोज करेंगे यहीं पर। द एसबीआई जो कि क्या हैज सॉट टाइम, उसने क्या मांगा है, समय मांगा है। सीक का मतलब किसी चीज की तलाश करना, या कोई चीज अगर चाहिए किसी को तो सीक का यूज करते हैं, और सीक की सेकेंड फॉर्म यहां पर था शॉर्ट होती है, और थर्ड फॉर्म भी शॉर्ट होती है, चूंकि हैज लिखा गया है ये बताता है कि ये थर्ड फॉर्म है। तो एसबीआई को ने मांगा है समय टिल द एंड ऑफ जून 2024, जून 2024 के अंत तक का समय मांगा है, विच वुड बी वेल आफ्टर। वेल आफ्टर का मतलब ठीक बाद, वेल आफ्टर का मतलब क्या होता है, ठीक बाद या ठीक पश्चात। विच वुड बी, जो कि होगा, विच वुड बी का मतलब जो कि होगा, वेल आफ्टर का मतलब ठीक बाद द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन आम चुनाव की जो तारीख है, आम चुनाव की जो संभावित डेट है उसके ठीक बाद होगा। यानी कि जो डेट मांगा है इन्होंने जून 2024, वो डेट ये है कि मई तक चुनाव हो जाएगा, तो जून तक कट समय उन्होंने मांग लिया है, ऐसा लेखक कह रहा है यहां पर। टू रिलीज डाटा, डाटा को रिलीज करने के लिए, डेटा को रिलीज करने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई, एक बार फिर से इसको समझते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो तुरंत जाके मेरे भाई लाइक कर देना। ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। आपको टू डू सो का मतलब पता चल गया, आपका मतलब, आपको वेल आफ्टर का मतलब पता चल गया, ये सारी चीजें पढ़ोगे तब तो मालूम चलेगा, बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कैसे मालूम चलेगा, वेल आफ्टर बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे, टू डू सो पहली बार सुन रहे होंगे, तो इसकी मीनिंग आपको ढूंढनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ चल रहा है माइक। तो इट इज टू फर्निश, प्रोवाइड कराना था 6 मार्च तक क्या, डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को की डिटेल जो कि प्राप्तकर्ता थे, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिनको मिला था। बिसाइड्स इसके अलावा द परचेज डिटेल, परचेज डिटेल भी प्रोवाइड करानी थी, विच इंक्लूडेड, जिसमें क्या शामिल किया गया, द डेट ऑफ परचेज कि कब खरीदा गया, एंड द डिनोमिनेशन और कितने में खरीदा गया, द इंटेंट मतलब इरादा, इन आस्किंग एसबीआई, एसबीआई से पूछने का, टू डू सो ऐसा करने का इरादा, वाज क्लियर एकदम स्पष्ट था, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इसका इरादा क्या था, सुनिश्चित करना, ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता, इन पॉलिटिकल फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग में, एट ए टाइम ऐसे समय पर, व्हेन जब द जनरल इलेक्शन इज ड्यू, जनरल इलेक्शन जो है वो क्या है, अभी होना है। इन इट्स रेस्पॉन्स, अपने उत्तर में, द एसबीआई, एसबीआई ने हैज सॉट टाइम, उन्होंने उसने टाइम मांगा है टिल द एंड ऑफ जून 2024, जून 2024 के अंत तक का समय मांगा है, विच वुड बी जो कि होगा, वेल आफ्टर ठीक बाद द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ जनरल इलेक्शन, आम चुनाव की जो एक्सपेक्ट संभावित डेट है उसके ठीक बाद का समय मांगा है, टू रिलीज डेटा, बात समझ में आ गई, आंकड़ों को जारी करने के लिए इतना समय मांगा है।
ऐसे पढ़ना है। ये एडिटोरियल पढ़ाया गया है, फर्स्ट पेज नहीं, एडिटोरियल पार्ट सबसे टफ होता है और उसको इतनी इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है। वीडियो को लाइक जितने लोग देख रहे हैं, आप सबकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को लाइक करें और पर पर्सन मैं बता रहा हूं आप सभी शेयर कर दें। इसी तरह से न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर न्यूज़पेपर पढ़ना भी है हमसे तो वो होली के बाद मैं पढ़ा सकता हूं, बट आप एक ओवरव्यू ले लीजिए कि किस तरह से पढ़ा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।